हार के बाद सपा गठबंधन की हालत कुछ नाजुक नजर आ रही है, क्योंकि यूपी में हुई करारी हार के बाद सपा गठबंधन में खींचतान शुरू हो गई है। सहयोगी महादल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने हार का ठीकरा स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर फोड़ा है और उन्हें भाजपा का एजेंट तक बता दिया है। देखिए, महादल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। हार की हताशा कहें या जिम्मेदारी का ठीकरा दूसरे के सिर फोड़ने की कोशिश, सपा के सहयोगी महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने जिस वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लिया वो बहुत कुछ इशारा करने वाला है। ये कि कहां गलतियां हुई, उन सब चीजों पे विचार हुआ और गलतियों पे ज्यादा विचार न करके, चूंकि तो जो रिजल्ट आया, जनता ने जो मैंडेट दिया, जो वोट दिया, वो तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन अब उन पे विचार ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत उस पर बात हुई। लेकिन लोकसभा चुनाव तैयारी करने के लिए मेन फोकस है कि अब लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी जाए। केशव देव मौर्य की हर बात एक नया संकेत देने वाली है। अभी नतीजे आए 24 घंटे भी नहीं हुए कि महान दल के अध्यक्ष अपने मन की बात कहे बिना नहीं रह सके, खुलकर कैमरे पर दिल का हाल बयां कर दिया। कि वोट पार्टियों के पास होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके पास अपना वोट होता है, ये लीडर नहीं होते हैं। ये तो किसी पार्टी में, जहां कभी भाजपा में कभी इसमें, अगर वो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी रही हो इनको भेजने का, जिनकी बेटी भाजपा में हो, पिता सपा में हो, तो हो सकता है रणनीति तो महान दल जो एक बड़ा वोट बैंक है उसके पास, उस वोट बैंक को रोका जाए। बात यहीं तक रहती तो गनीमत थी। केशव देव मौर्य ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि परिवार का एक सदस्य भाजपा में हो और दूसरा सपा में, तो संदेह तो होगा ही। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आने से ओवर कॉन्फिडेंस और बढ़ा। महान दल का जो कैडर था उसका इस्तेमाल इसीलिए नहीं हुआ, कम हुआ, कि स्वामी प्रसाद मौर्य आ गए हैं तो अब वोट मिल जाएगा। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने ये समझा कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ा चेहरा, उनके आने से वोट मिल जाएगा। केशव देव मौर्य ने यहाँ तक कह दिया कि चुनाव के दौरान सपा संगठन की तरफ से महान दल का ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ। दावा ये भी कि अखिलेश के भरोसे के बावजूद ऐसा हुआ। अगर वो स्वामी प्रसाद मौर्य ना आए होते तो मेरा इस्तेमाल महान दल का इस्तेमाल ज्यादा होता, और महान दल का इस्तेमाल होता तो वोट ज्यादा। सपा ने उतना इस्तेमाल नहीं किया, आप लोग कम इस्तेमाल। अब चूंकि चुनाव चल रहा था, आदरणीय अखिलेश यादव जिस मुलाकात में कर नहीं पाए, इस विषय में मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि ये अपने ऑफिस में गलती ऑफिस की हुई, चलिए अब आगे चुनाव में इस्तेमाल होगा। केशव देव मौर्य ने चुनावी नतीजे के बाद अखिलेश यादव से मुलाकात की और उसके बाद ये बयान दिया। अब महान दल के अध्यक्ष की माने तो रणनीतिक चूक पर चर्चा हो गई और गठबंधन का पूरा फोकस अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी पर होगा। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट।